Once again, I am Siddharth Bhatia in front of you. I am your chemistry and biology mentor. आज हम पढ़ेंगे एल्डोल कंसंट्रेशन कंडेंसेशन क्लास 12th का. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर का है, एल्डोल कंडेंसेशन. इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको CH3CHO लेना है, एक ऐसा और कंपाउंड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन. अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है कि जो आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि C OH, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, इसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं. मेन ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं. अल्फा कार्बन पे जितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ तो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए आप यहाँ पे 2 और ये H. अब यहाँ पे आपको NaOH बेसिक मीडियम देना है, वो भी डाइल्यूट मीडियम में आपको NaOH देना है. NaOH का काम क्या होता है, OH माइनस प्रोवाइड करवाना. ये OH और ये H मिलकर के यहां से हट जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे. आगे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, CH2 C डबल बॉन्ड O H, और इस पे आ गया नेगेटिव का चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए. ठीक है, अब आपको इसी की एसीटेल्डिहाइड की क्या फॉर्मूला था, एसीटेल्डिहाइड इसी की एक और यूनिट आपको लेनी है. एसीटेल्डिहाइड की एक और यूनिट आपको लेनी है. यहां पे आपने ले ली CH3, ये C डबल बॉन्ड और ये H. अब ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल काम कर, न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये नेगेटिव है. ठीक है ना, अब ये अटैक करेगा वहां, देखेगा ये पॉजिटिव कहां पर है, ये नेगेटिव वहां अटैक करेगा दूसरी यूनिट पे जहां पे पॉजिटिव है. पॉजिटिव कहां पे, अब आप जानते हैं इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में, ढंग से लिख देता हूं थोड़ा सा और आपको ढंग से दिख जाए. ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब ये नेगेटिव उठ करके जाएगा यहां पे आकर के जुड़ जाएगा. बहुत सिंपल, देखिए क्या बनता है. मैं इस यूनिट को ऐसा लिख देता हूं, CH3 C. अब यहां से दोनों ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे यहां पे ऊपर. ठीक है, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 1 2 3 4 ऑलरेडी कार्बन ने 4 बॉन्ड तो बना ही रखे. जब ये वाला पार्ट यहां पे शिफ्ट होगा तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, हो नहीं सकता. ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे. देखिए आगे क्या बनता, CH3 C, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव का साइन और ये हाइड्रोजन इसके पास यहाँ पे ये CH थाई से, ये वाली यूनिट इस कार्बन के पास आके जुड़ गई जिसको मैं ऐसे जोड़ रहा हूं. देखिए ये CH2 C और ये डबल बॉन्ड O और ये H, कोई दिक्कत आपको, ये वाली यूनिट मैंने यहां पे आके लगा दी. इसका नेगेटिव साइन खत्म हो गया क्योंकि ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ एड हो गया, तो ये इसका नेगेटिव साइन खत्म हो गया. ठीक है, अब इसका नेगेटिव साइन यहां पे खत्म हो चुका है. ठीक, अब यहां पे हमारे पास पानी बहुत था, पानी में हमने सॉल्यूशन डाला था, तो यहां से हमें मिला H प्लस और OH माइनस. क्या मिला हमें, H प्लस और OH माइनस. ये H प्लस इससे आकर के जुड़ जाएगा, ये H प्लस उससे आकर जुड़ जाएगा. देखिए अगली स्टेप में क्या है, CH3 CH, अब ये O और ये H वहां से आके जुड़ गया तो ये बना OH, बना कि नहीं बना OH. और इसको देखिए अब आप, ये CH2 ये CHO, ये वाला हिस्सा CHO. ठीक है कि नहीं, इसी को हम बोलते हैं एल्डोल, इसी को हम बोलते हैं एल्डोल. क्यों बोलते हैं हम एल्डोल, CHO की वजह से, CHO की वजह से, तो हम इसे बोलते हैं एल्ड, एल्डिहाइड से एल्ड, OH की वजह से हम बोलते हैं इसे और. गॉट इट, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, CHO की वजह से तो इसे बोलते हैं एल्ड, OH होने की वजह से हम इसे बोलते हैं और. नाम क्या हो गया, एल्डोल. गॉट इट, अब आगे क्या होगा, मैंने अभी बताया ये वाला जो मेन ग्रुप है इसके पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके पास वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन. गॉट इट, एक बार और सुन लीजिए, मेन ग्रुप के पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, इस वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन. तो क्या मैं ये कर सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ये जो CH2 है अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ये हाइड्रोजन, और यहां मैं इसे हीट कर देता हूं. करा कुछ भी नहीं, CH2 को मैंने बस दूसरे तरीके से लिखा और मैं यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकता हूं. यस और नो, ये हुआ CH3, ये CH, एक बॉन्ड इस कार्बन से टूटा है, एक बॉन्ड इस कार्बन से टूटा है, तो क्या दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा. इस कार्बन से एक बॉन्ड टूटा, इस कार्बन से एक बॉन्ड टूटा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, होगा. इसे हम बोलते हैं इनल. क्या बोलते हैं हम इसे, इनल. अब इनल क्यों बोला, डबल बॉन्ड की वजह से इन, CHO की वजह से अल.
डबल बॉन्ड की वजह से इन, सीएचओ की वजह से अल। सो गाइस आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन पसंद आया होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, आप जरूर देखें। अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। एग्जाम्स आने वाले हैं आपके सीबीएसई क्लास 12 के फोर्थ में से हैं। अभी डेट शीट आई नहीं कि कौन सी डेट पर कौन सा एग्जाम है, मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी। आई होप यू वुड लाइक इट। थैंक यू।